तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को, हम लोग सबसे पहले जॉन सीना एंड स्टारडस्ट से। जी हां भाई, स्टारडस्ट की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कोडी रोड्स के पहले वाले कैरेक्टर की, जिसके मजे लोग आज तक लेते हैं, कोडी रोड्स को ट्रोल करते हैं स्टारडस्ट बोल बोल के। जॉन सीना ने भाई इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट डाली, आप देख सकते हो क्या है यहां पे, कौन है यहां पे, हर कोई जानता है, बताने की नीड है नहीं। अभी हमें मालूम है भाई कि जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के रूमर्स हैं कि इनका मैच आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलेगा। इससे पहले जॉन सीना का ये पोस्ट करना काफी कुछ और भी ज्यादा स्पॉइल करता है। कन्फर्म दिख रहा है कि रेसलमेनिया 41 नाइट 1 का मेन इवेंट अपना जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला है, या फिर जॉन सीना वर्सेस स्टारडस्ट का मैच होने वाला है। फनी है अपने में काफी हद तक भाई, पीछे वो नाइट मेयर वाला लोगो है, एंड ये बाय द वे रियल रेंडर नहीं है भाई, ये फैंस ने ट्रोल करने के लिए कोडी को ऐसा कुछ बनाया था एंड ये काफी वायरल है। तो जॉन सीना भाई इसको पोस्ट करते हैं, कोडी रोड्स का रिस्पॉन्स पक्का आएगा, वो रिस्पॉन्स मुझे देखना है। एंड यहाँ से भाई पहला ईस्टर एग आपको मिल चुका है, इनका मैच आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, अब तो देख के लगता है एटलीस्ट रेसलमेनिया 41 में। भूलना मत इस स्टेटमेंट को कोडी रोड्स की, कि वो कह रहे थे भाई कि तुम जो भी सोच रहे हो ना, उससे काफ़ी उल्टा ही होने वाला है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो जी हाँ, हम लोग सोच रहे थे भाई कि कोडी वर्सेज रॉक का मैच होगा, नहीं तो कोडी वर्सेज रॉक वर्सेज रोमन का मैच होगा। अभी लगता नहीं है कि शायद ये दोनों में से कोई भी होने वाला है, शायद कोडी वर्सेज सीना होने वाला है। तो मे बी कोडी वॉज राइट, एंड अगर ये होता है तो इसका मतलब आपका रोमन वर्सेज रॉक का मैच सेफ बच गया नाइट 2 के मेन इवेंट के लिए। दिक्कत मालूम है किसको हो गई, दिक्कत होगी वंस अगेन बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को, बिकॉज सीएम पंक एंड रॉलिंस का मैच एक बार फिर से मेन इवेंट नहीं कर पाएगा रेसलमेनिया 41 को, रेसलमेनिया 40 की तरह ही। तो फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट जॉन सीना की तरफ से निकल के सामने आई है। फनी भी आप कह सकते हो इसको पोस्ट को, ट्रोल वाला भी पोस्ट कह सकते हो, या फिर इसको आप अर्ली ईस्टर एग भी बोल सकते हो, बिकॉज जॉन सीना इस चीज़ को पोस्ट करके शायद स्पॉइल करते हुए दिख रहे हैं कि रेसलमेनिया 41 नाइट 1 का मेन इवेंट क्या होने वाला है। ऑल्सो जॉन सीना भाई रंबल के लिए अनाउंस हो चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली रंबल मैच में एंट्री लेने वाले, मोस्ट लाइकली जीतने वाले, एंड उसके बाद कोडी को उनके टाइटल के लिए चैलेंज करके 17 टाइम चैंपियन बनने वाले। तो अपडेट्स वगैरह सब कुछ जो है भाई, सारी अपडेट्स सारी सब कुछ न्यूज़ वगैरह अलाइन हो रही है साथ में। तो जी हाँ, देख के लगता है कि शायद सीना वर्सेस कोडी इज द प्लान फॉर रेसलमेनिया 41। जॉन सीना की हमने बात करी है, तो कंटिन्यू कर लेते हैं भाई जॉन सीना से ही। क्या स्टेटस है जॉन सीना का भाई अगले साल के हॉल ऑफ फेम के लिए, यानी हॉल ऑफ फेम 2025 की मैं बात कर रहा हूं। क्या जॉन सीना रिटायरमेंट टूर के अंदर ही हॉल ऑफ फेम के अंदर भी इंडक्ट हो जाएंगे? सुनने में तो लगता है भाई कि जी हाँ, ये बिल्कुल लाइकली है, बिकॉज हमने सुना था कि जॉन सीना शायद अगले साल रिटायर होने वाले हैं, तो सब कुछ साथ में ही कर लेंगे बिकॉज हाइप बहुत रहेगी। लेकिन इसका एक सेम अपोजिट भी है एंड ऑल्सो बैटिंग ऑड्स भी है, तो इसलिए भाई चांसेस लोगों को लगे कि शायद थोड़े ज्यादा है कि सीना इंडक्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स नहीं है भाई कि ये लोग जॉन सीना को अगले साल के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे, बिकॉज अगले साल का हॉल ऑफ फेम जॉन सीना के होने से शायद वेस्ट हो जाएगा। आप बोलोगे भाई कैसे वेस्ट हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि जॉन सीना इंडक्ट हो जाएंगे। मैं बताता हूं भाई वेस्ट कैसे हो जाएगा। जॉन सीना वैसे भी भाई अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरा कमा के देने वाले हैं, बहुत हाइप में रहने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत फायदा कराने वाले हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई उनको रेसलिंग रिंग से रिटायर कर देगी अगले साल एंड में 2025 में, लेकिन इसके बावजूद वो जॉन सीना के नाम पे कुछ तो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे ना 2026 में, अगर वो अगले साल जॉन सीना को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कराते हैं तो। कहने का मतलब है कि जॉन सीना ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हॉल ऑफ फेम के बाद भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, हम सबको मालूम है कि जॉन सीना स्टिल इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो वो एक और आखिरी बार जॉन सीना को देखने की जो इच्छा होगी भाई, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई 2026 के अंदर फैंस के अंदर पैदा करना चाहेगी, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 2026 में भी किसी तरीके से जॉन सीना के नेम को मिल्क करके प्रॉफिट कर पाएं। तो अगले साल भाई हॉल ऑफ फेम में आपको मोस्ट लाइकली सीना नहीं देखने को मिलेंगे, होते भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ऑड्स में नाम है रैंडी ऑर्टन का, ट्रिपल एच का, कि ये लोग इंडक्ट कर सकते हैं, बटिस्टा का भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगले साल इसकी नीड भी होगी। अगले साल मुझे लगता है कि कोई और ही हॉल ऑफ फेम में हेडलाइन करेगा, मुझे लगता है बटिस्टा को करना चाहिए भाई, काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी जॉन सीना 2026 से पहले तो चांसेस लग नहीं रहे कि शायद हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे, एंड ऐसा ही होना भी चाहिए, बिकॉज हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने के बाद उसके बाद फिर से जॉन सीना रसल करेंगे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बाद में फिर कमा नहीं पाएगी कुछ भी जॉन सीना के नाम पे ज्यादा। तो इसमें बेटर है भाई कि जॉन सीना को 2026 में इंडक्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि रसल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इंडक्ट होने के बाद, रे मिस्टीरियो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बात है अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन लोगे तो बेस्ट ये होगा कि जॉन सीना का बाद में भी कुछ बचा के रखो आप, ताकि जॉन सीना के नाम पे बाद में भी कुछ कमा सको। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे भाई आप लोग इनको आए दिन हाल फिलहाल में देखोगे कि एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, इवन अभी तो पाइल ड्राइवर लगा दिया भाई केविन ओवंस ने रैंडी ऑर्टन को। लेकिन अभी भाई कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको बता देता हूं। एक फुटेज निकल के सामने आई, वीडियो निकल के सामने आई है, आप देख सकते हो यहां पे भाई केविन ओवंस अपनी न्यूली बॉट लैम्बोर्गिनी दिखा रहे हैं
रैंडी ऑर्टन को, रैंडी ऑर्टन भाई उसको ढंग से घुस घुस के देख रहे हैं कि अच्छा क्या है भाई इसमें फीचर्स क्या है। उसके बाद फिर कुछ डिस्कस कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं शायद ये डिस्कस कर रहे हैं कि कोडी को कैसे किडनैप करना है इसमें, शायद ये डिस्कस कर रहे होंगे मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी भाई ये चीज़ लीक हुई है भाई तो फैंस इस चीज़ को देख के बोल रहे हैं कि ओ भाई नाइस नाइस नाइस, और क्या बोल सकते हैं भाई। हमें पता है भाई कि अब इन चीज़ों में केएफएब थोड़ी फॉलो करेंगे, ये किसी ने भाई चुपके से रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया। अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे होता या फिर बैकस्टेज कुछ होता तो शायद ये दिक्कत की बात थी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक फन चीज़ है भाई कि ये दोनों कितने सीरियस हैं डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पे। एंड इधर अगर आप देखोगे ये बाहर की फुटेज तो भाई कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो इनकी फ्रेंडशिप वगैरह टूटी नहीं है भाई स्टोरी के चक्कर में, पता नहीं बस हमें। ये भाई रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस की वीडियो जो कि जस्ट अभी निकल के सामने आई तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई बहुत ही जल्दी ब्लड लाइन स्टोरी लाइन को रैप करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी भाई इस स्टोरी लाइन को खत्म करने वाले हैं। कहानी ऐसी है भाई कि ब्लड लाइन अभी जो है भाई ऑलरेडी काफी रस्ट फील हो रही है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद इसको जान बूझ के करा रहे बिकॉज शायद इनको लगता है कि जल्दी जल्दी करेंगे तभी हम लोग रॉक रोमन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज 3-4 महीने ही बाकी रह जाएंगे। एक हिंट हमें भाई मिल गया स्मैकडाउन के न्यू पोस्टर से भी, स्मैकडाउन के न्यू पोस्टर में जो कि रोड टू रेसलमेनिया में यूज करने वाली डब्ल्यूडब्ल्यू, वहां पे रोमन नहीं है बल्कि सोलो सीको है। तो वो देख के एक इनफ आइडिया लग गया कि नेटफ्लिक्स को चाहिए रोमन रेंस, रॉक होने वाले हैं नेटफ्लिक्स वाले रॉ पे मोस्ट लाइकली, एंड ये पोस्टर भी आ चुके हैं निकल के सामने, तो अब तो शायद रोमन जाने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में, एंड उसके बाद स्मैकडाउन में सोलो सीको शायद कैरी ऑन करेंगे कुछ और फ्यूड्स के साथ में। यानी कि अब सोलो सीको की ब्लड लाइन एंड रोमन रेंस की ब्लड लाइन आपको जल्दी ही अलग अलग होते हुए दिखेगी। वॉर गेम्स में इनका मैच होगा, एक तरीके से ये एंड है, लेकिन एक सिंगल्स मैच भी बाकी है रोमन एंड सोलो का, जो कि शायद आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में देखने को मिले या नहीं तो शायद रंबल में देखने को मिले। इसके बाद भाई ये दोनों फैक्शंस आपस में आपको भिड़ते हुए तो नहीं दिखेंगे, बिकॉज रोमन के रास्ते अलग हो जाएंगे, सोलो के रास्ते अलग हो जाएंगे, एंड रोमन मंडे नाइट रॉ में फ्यूड करेंगे फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक के साथ में। एंड अभी भाई सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि जॉन सीना जाएंगे कोडी के अगेंस्ट, रॉक जाएंगे रोमन के अगेंस्ट, सोलो का देखना होगा थोड़ा उनका नहीं पता है। तो ये है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू जल्दी 1-2-3 महीने के अंदर ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रैप करने वाली है, जिसके लिए होप्स तो ऐसे बढ़ा दिए थे भाई कि पता नहीं क्या ही तोप है, लेकिन अब इसको बस स्क्रैप करेंगे खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि आज सच कोई बहुत मैसिव तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जॉन मॉक्सली, शायद आपको मालूम भी होगा अभी तक, जॉन मॉक्सली आज AEW के अंदर प्रोमो कट कर रहे थे, एंड प्रोमो के अंदर भाई किसी फैन ने पीछे से चिल्ला दिया कि गो बैक टू रोमन, कि रोमन के पास वापस जाओ। या तो वो ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे तुम्हारी नीड है नहीं, या तो ऐसा कहना चाह रहा था कि रोमन को तुम्हारी नीड है, एक फिफ्थ मेंबर की नीड है, इसलिए गो बैक टू रोमन बोला गया। ये कैमरा पे कॉट हो गया भाई, एंड क्लिप काफ़ी वायरल है, आपने शायद अभी तक देख भी ली होगी, ट्विटर पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो मॉक्सली ने भाई आज रोमन का नाम सुना, मे बी भाई उनको जाना पड़ेगा रोमन के पास वापस, लेकिन अभी नहीं, शायद 2 साल बाद, शायद 3 साल बाद जब वो WWE के अंदर वापस जाएंगे। एक बात तो हमें भाई वो वाला ड्रीम मैच देखना है, रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया के अंदर। मैच पहले भी हो रखा है लेकिन रेसलमेनिया में नहीं हुआ भाई, तो रेसलमेनिया ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ ऑल कहते हैं उसको, तो वो होना तो चाहिए डेफिनेटली यहाँ पे इनका मैच। बाकी अभी वेट करना पड़ेगा, गो बैक टू रोमन बोल तो दिया फैन ने, लेकिन शायद थोड़ा और लंबा वेट करना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग भाई एम्ब्रोस को कब वापस आ जाना चाहिए? मुझे मालूम है कमेंट्स में लोग बोलेंगे कल, लेकिन फिर भी भाई सेंसिबली क्या लगता है कमेंट करके बताना। इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऑलवेज ही WWE की न्यूज़ सबसे पहले मिलते रहे, फास्टेस्ट मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।